एवरीवन कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग। और आज है महाअष्टमी और बारिश होने लगी है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जोरों की बारिश हो रही है। थोड़ी देर बाद आफ्टरनून भी हो जाएगा। हम लोग रात को कल 3 बजे सोए, आते आते 2:30 बज गया था। और आने के बाद सब इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे कि क्या ही बताएं, सबका पैर दुख रहा है, सबकी हालत ख़राब है। इसलिए सब सो के भी लेट ही उठना चाह रहे थे, बट सबको उठा दिया गया क्योंकि वैसे पूजा चल रहा है तो इतना लेट सो नहीं सकते। सभी उठ के नहा धा के फ्रेश व्रेश वगैरह हो चुके, और ये सब करते करते इतना टाइम हो चुका है। और आज तो बारिश हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कैसे पूजा घुमाएगा। वैसे कुछ तेज़ बारिश नहीं है, बट इतनी बारिश भी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे साथ में घूमने जा रहे हैं तो कंटिन्यू बारिश पड़ेगी तो दिक्कत हो सकती है। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल सुबह है, अगर ऐसा रहा तो सोचना पड़ जाएगा घूमने जाने के लिए। बट कल सब लोग टायर्ड हो चुके हैं। हम लोग कंटिन्यू दोपहर के 3 बजे निकले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और रात को हम लोग 2:30 बजे पहुँचे। सोचिए हम लोग कंटिन्यू कितना घूमे हैं, और पैर एकदम जवाब दे चुका था कल। बट बंगाल में आदमी आया है तो पूजा तो घूमेगा ही, ये तो बात पता ही है। तो बस आज अष्टमी है और आज मैं थोड़ा लेट मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि सब टायर्ड हैं। तो देखते हैं आज हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, अगर भगवान चाहेंगे तो, क्योंकि वो तो बारिश हो रही है अभी। फिलहाल बने रहिए। और इतना घूमे हम लोग कि देखिए पीछे दी आ रही है, दी की बेटी का सैंडल टूट गया क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, आप लोगों ने देखा ही ब्लॉग में। इसकी वजह से उसका सैंडल टूट चुका है, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलो एक कंफर्टेबल कुछ एक सैंडल लेके आते हैं। हल्की बारिश हो रही है, लेकिन दुकान तो खुला ही होगा, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं, एक सैंडल ले लेते हैं उसके लिए, नहीं तो फिर रात में दिक्कत हो जाएगा। तो बस इसलिए हम लोग अभी निकल चुके हैं। तेज़ बारिश होती तो ऑब्वियसली हम लोग अवॉइड करते, बट उतनी बारिश नहीं है, एक दो बूंद बारिश हो रही है। तो चलिए चलते हैं, पहले ये काम को निपटा लिया जाए। ज़्यादा हम लोग नहीं आज बाहर घूमेंगे अभी, क्योंकि रात में फिर घूमना है तो बहुत आदमी टायर्ड हो जाएगा, इसलिए चलते हैं अभी, पहले उसको लेके आते हैं। बारिश हो रही है, पता नहीं हम लोग क्या घूमेंगे और कैसे घूमेंगे। और हम लोग अभी रुके हुए हैं कहीं पे, इतनी बारिश में कैसे कोई जाएगा घर तक भी। तो मार्केटिंग जो लेना था वो हो चुका है, बट बारिश बहुत, मन उदास हो गया एकदम। अष्टमी के दिन बारिश, यार क्या बोल सकते हैं, इतना अच्छा पंडाल बना है, सब बेकार हुए, सब भी जाएगा। अगर ऐसा दिन रहा तो थोड़ी घूम पाएंगे, क्या कर सकते हैं। भगवान जी प्लीज़ सुन लीजिए, बंद कीजिए इसको।
मौसम अभी ठीक है तो हम लोग फिर रेडी हो चुके हैं। अभी तो रेडी है, पता नहीं आगे गर्मी क्या हालत करने वाली है, क्योंकि बारिश तो हुई है बट गर्मी वैसे की वैसी ही है। तो निकल चुके हैं हम लोग फिर से, और देखिए यहाँ पे अभी भी अंजलि दिया जा रहा है, आज अष्टमी है चुकी इसलिए। तो चलिए चलते हैं घूमने, महाअष्टमी का पूजा, बने रहिए। इसको देखिए, ये हम लोग से पहले खाने बैठ गई, हम लोग मूर्ति देखने गए और इसको खिचड़ी खाना पा। इनको देखो ये भी लिए, इतना ये बगल में पट रहा है और ये खा रही है। हालत खराब हो चुकी है, इतना ज्यादा भीड़ ट्रेन जा रहा है और पसीने से हालत खराब, और बारिश भी हो गई है, इसमें गर्मी भी लग रही है और भीड़ तो अनलिमिटेड है। अभी हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर चल के आए हैं, तब जाके एक बहुत अच्छा वाला पंडाल सब बोल रहा है कि यहाँ बना है, देखने को मिलने वाला है। चलिए देखते हैं कि इतना मेहनत जो की है हम लोग सफल होता है कि नहीं, लेकिन सजावट तो काफ़ी अच्छी है, पता नहीं इतना मेहनत का फल मीठा मिलता है कि नहीं। सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, और ऐसे ही आगे भी भीड़ है पीछे भी भीड़ है। अभी इतने सारे लोग अभी जा रहे हैं, अभी लाइन नहीं है तब इतना भीड़ है, पता नहीं लाइन में क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं, बंगाल का दुर्गा पूजा घूमो बिना भीड़ का, ये तो ऐसे ही है कि सपना देखे और करोड़पति बन गए, ठीक लग रहा है। लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पे सिंगल लाइन लगा है, ये पीछे पता नहीं कहाँ तक जाने वाली है लाइन।
हालत खराब हो चुकी है ऑलरेडी गर्मी से। चलिए चलते हैं और आपको ये पंडाल दिखाते हैं कैसा है। पंडाल दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, कोई येलो लाइट जो दूर से जल रही है वो पंडाल है, और हम लोग इतने पीछे लाइन में सब हैं। देखिए ये आगे की लाइन है, दी है यहाँ सब लगे हुए हैं लाइन में, हमारे आगे की लाइन। हाँ हाय हेलो सब कर लो। आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम आइसक्रीम। फाइनली मेहनत हम लोगों का सफल हुआ, बहुत ही अच्छा पंडाल बना है। और आप भीड़ देखिए, अंदर में कम लोगों को छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी। चलिए बाहर निकलते हैं, मस्त बनाया है। ना ना जाने दे, यहाँ लाइन नहीं है तो भी लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि लाइन नहीं है, लाइन नहीं है, बताइए क्या बोला जाए। मैं आपको पंडाल अच्छे से दिखाती हूँ। फाइनली मेहनत सफल हुआ, अच्छा है पंडाल। ठंडा पूरा दिया गरम लेगा एंड वी ईट ढाका पूरी, कोलकाता फेमस ढाका पूरी। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि हम लोग एक में दो दो खा रहे हैं, जैसे कि उसमें दी और बेटी और इसमें मैं और बेटा खाने वाले हैं। और ये शुरू हो चुका है, मेरा वेट भी नहीं कर रहा है। बस बस खिलाओ पहले तो। मोबाइल खराब पकड़ तो भरना।
हालत पूरी खराब हो चुकी है, बट हम लोग का घूमना हो चुका है तो बस अब हम लोग घर जाएंगे। कुछ पैकिंग करवा रहे हैं घर के लिए, घर पे बेटा का फरमाइश अभी किंडर जॉय लाने के लिए, तो वो भी लेना है। मैं भूल रही थी तो मुझे सडनली याद आ गया। और फिर देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने थके हुए हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो बस चलते हैं पैकिंग लेके घर। और ऐसा कुछ रहा हमारा महाअष्टमी का दिन, और इतना कुछ भीड़ और ऐसा कुछ पंडाल। और बस अब कल नवमी की तैयारी होगी घूमने की, तो इसी के साथ चलते हैं इस ब्लॉग को एंड करने। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है मुझे। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगे कि हाँ दुर्गा पूजा बंगाल में पंडाल अच्छा बनता है। तो बस मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। अभी उसको 20 मिनट लगेगा ना आने में। आओ आपसे तो क्या करते हो, हमें आपसे नहीं कुछ नहीं, एक जन बोलते I'm going to go to the hospital.